क्या बात है, किसके ख्याल में डूबी हुई हो? सोच रही हूँ आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? You mean suicide? Great, मस्त आइडिया है। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी सब नौटंकी समझती हूँ मैं। पिछली बार सुसाइड के नाम पर फर्स्ट फ्लोर से कूद गई थी तुम, याद है तुम्हें? याद है। अच्छा, मैं फर्स्ट फ्लोर से क्यों कूदी थी? वो तो तुम जानो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिसके ऊपर कूदी थी ना, बेचारे की टांग टूट गई थी। वो तो लड़की समझ के उसने तुम्हें छोड़ दिया था, वरना इलाज के नाम पर अच्छा खासा पैसा वसूल लेता। वैसे इस बार क्या करने का इरादा है? सोच रही हूँ ट्रेन से कटकर जान दे दूँ। भाई मेरा मतलब है बहन मेरी, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से ऑटो बस कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पैदल जाते जाते तू थक जाएगी, फिर तो सुसाइड करने का थ्रिल ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? पहले यह बता, तूने सुसाइड नोट लिखा है या नहीं? नहीं। वाह बेटा, मेरा मतलब है बेटी, मरने के बाद मेरा ही गला फंसाने का इरादा है। मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी? अबे, तेरे मरने के बाद पुलिस तेरा मोबाइल चेक करेगी या नहीं? सबसे ऊपर तो मेरा ही नाम फ्लैश करेगा, फिर मार मार कर मुझसे यह उगलवाएगी कि मैंने तुझे सुसाइड करने के लिए उकसाया है। ऐसा कर, पहले सुसाइड नोट लिख ले। तू तो जानती है मैं लिखने में कितनी कमजोर हूँ। ऐसा करना, तू ही लिख देना। चल हट चुड़ैल। सुसाइड करे तू, सुसाइड नोट लिखूं मैं? यार, मैं तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ ना, एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। देख, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तेरी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। ऐसा कर, जो मन में आए वो लिख दे, बाद में मैं करेक्ट कर दूंगी। सुसाइड नोट में ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं लगेगा। लेकिन क्या लिखूं? लिख दे, मेरे मम्मी पापा बहुत खड़ूस हैं, वह मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, उनसे पीड़ित होकर मैं अपनी जान दे रही हूँ। लेकिन मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं। वे तो मेरी सारी डिमांड पूरी करते हैं। पिछले महीने ही तो उन्होंने मेरे जन्मदिन पर एक नया फोन दिलाया है। लिख दे, तेरा बॉयफ्रेंड तुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उससे तू परेशान होकर आत्महत्या कर रही है। कम ऑन यार, दर्श के बारे में ऐसा मत बोल, ही सो नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो लिख, मैं परीक्षा में फेल हो गई हूँ, मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक कोई परीक्षा दी ही नहीं है, और मैंने हर एग्जाम में अच्छा किया है, लोग तो इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। अजीब ढकलोल हो यार तुम, तेरे पेरेंट्स इतने लविंग एंड केयरिंग है, तेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, तू किसी एग्जाम में फेल नहीं हुई, तब तुझे किस बात का गम है? पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कर,
कुछ दिनों के लिए सुसाइड करने का आइडिया पोस्टपोन कर दे। इन्हें मेरी बड़ी बहन की शादी है, उसमें मुझे तेरे हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी। मिस्टी, याद है तुम्हें जो हमारे साथ क्लास 12 में थी, वह इस वीक पुणे से आ रही है। उसे एक सरप्राइज पार्टी देनी है और तेरा बर्थडे भी तो है अगले वीक। थैंक गॉड तुझे याद है। देख खाली दिमाग, इस बार कुछ अच्छा गिफ्ट देना, पिछले बार की तरह मोबाइल कवर मत पकड़ा देना। नहीं यार, जो तू बोलेगी वही गिफ्ट दूंगी तुझे। देख यार, सुसाइड वाला आइडिया है ना, उसे दिमाग से निकाल दे। जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, अच्छा बुरा तो जिंदगी में लगा रहता है। बिल गेट्स भले ना बन सके, लेकिन बिल से निकल के अपने लिए गेट तो खोल ही सकते हैं। सही बात है भाई, मेरा मतलब है बहन, तू जो बोलेगी वही करूंगी। चल कुछ नई शुरुआत करते हैं। इस तरह के विचार खाली दिमाग में बहुत आते हैं, चल कुछ सीखते हैं। मेरे विचार से हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहिए, ये जिंदगी भर हमारे काम आएगा। बिल्कुल सही, लेकिन हमें सीखना कहाँ चाहिए? स्पिनिंग का नाम सुना है या नहीं तुमने? बिल्कुल सुना है। मेरे जान पहचान के कई लोगों ने वहाँ से पढ़ाई की है और आज वे जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मेरे कजिन से मिले हो ना तुम, जो बैंक ऑफिसर है। हाँ मिले तो हूँ, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है और उसकी पर्सनालिटी के तो क्या कहने। हाँ, उसकी लाजवाब इंग्लिश और पर्सनालिटी के पीछे संजय सर का बहुत बड़ा हाथ है। वे स्पेनिंग के डायरेक्टर है और वह खुद क्लास भी लेते हैं। फाइन, तब सोचना कैसा, चलो स्पेनिंग ज्वाइन किया जाए। गुड, ये ना हुई काम की बात, सोच सकारात्मक रखो, सब कुछ अच्छा होगा। Join Spenin. Thank you.